हे गाइस माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुड़े एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा सो आज जो है हम सॉल्व करने वाले एन टी नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 59 तो चलिए शुरू करते हैं सो so, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो क्योंकि हर एक एन टेस्ट जो है मैं लाइव सॉल्व करता हूं और सबसे पहले आपके लिए जो है मैं सॉल्व करके लाता हूं आज थोड़ी देरी हो गई है लेकिन लाइट नहीं थी इसलिए

तो एक्टिनोमार्फिक मतलब क्या इज अ टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री की तरह होता है ठीक है तो रेडियल सिमेट्री हमें किस किस में, में मिलती है टीनोफोरा में मिलती है इकैनोडामेटा में मिलती है सिलेंटेटा में मिलती है तो यहाँ पे उन तीनों के कौन कौन से एग्जाम्पल स्पॉन्जिला नहीं है ठीक है वो तो गया एडमसिया एडमसिया देन गॉर्गोनिया सेंटेटा के कोलेंटेटा के देन प्लोराब्रांकिया टाइनिया आई थिंक दे बिलोंग टू द प्लूरो बिलोंग टू द टीनोफोरा टनिया नहीं होता है टैनिया देन uh, कुकुमारिया एंड ऑफ यूर कुकुमारिया एंड ऑफ यूर बिलोंग टू यू कैन देखो आपको अगर ऐसे किंगडम के uh, नाम याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है ठीक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पे आपको किंगडम प्लांटे किंगडम एनिमल के जो है बहुत ही फनी और अच्छे निमोनिक्स जो है मिल जाएंगे तो आप वो जरूर देख लेना तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर टाइनिया नहीं है वन टू थ्री फाइव सो राइट आंसर इज फाइव आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द गिवन बिलो मलेरिया फिलरियासिस चिकनगुनिया रिंग तो देखो हां इसके पहले का क्वेश्चन एन से था ये भी एनसीआर से है ठीक है सो so, क्योंकि मलेरिया फिलरिस चिकनगुनिया रिंगवम ये सब एनसीआरटी से है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हमें बताया जाओ कि कौन सा से है कौन सा नहीं है सो मलेरिया ओके देन फिलरियासिस चिकनगुनिया ये तीनों जो है ना इससे होते हैं मॉस्किटो से होता है वेक्टर के रूप में होते हैं लेकिन रिंगवम देखो फंगल है सीधा इंफेक्शन होता है तो अलग होगा इन ह्यूमन मेल्स यूरेथ्रा है सेवेंटी टू एटी परसेंट क्या आने वाला है ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होने वाला है इसका लेकिन दो कन्फर्म करते हैं हंड्रेड परसेंट के लिए ट्रांजिशनल दे हम देखो अभी हमारा जो यूरेथ्रा है मेल का ठीक है लॉन्ग होता है कंपेयर टू फीमेल और ये उसके तो है तीन पार्ट रहते हैं दैट इज प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा मेम्रानेस यूरेथरान पेनाइल यूरेथ्रा तो प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा जो है वो इसके पास होता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है और यहाँ पे जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है ठीक है पेनाइल यूरेथ्रा में नॉन केरेटाइज मिलता है हमें तो दो कन्फर्म हो गए तो यानी कि इसका हंड्रेड परसेंट आंसर जो है डी होने वाला है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर अबायोटिक फैक्टर मेजर अबायोटिक फैक्टर अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है मार्क करना है टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली ठीक है इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स एंड फॉर्म अप प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप इंक्रीजेस प्रोग्रेसिव इक्वेटर टू पोल अगर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो हमें ग्लेशियर जो मिलते हैं पोल रिजन में वो नहीं मिलेंगे तो सिंपल सी बात है ये इनकरेक्ट है लाइट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनिमल्स लाइट इज इम्पॉर्टेंट इन एनिमल्स एज दे यूज़ डायरूनल सीजनल वेरिएशन इन द लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन एज़ क्यूज फॉर टाइमिंग दे आर फॉर एजिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ तो देखा जाए तो जी हाँ लाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है टू मेंटेन अ डे टू डे एक्टिविटीज ठीक है डायरूनल सीजनल वेरिएशन उनके लिए लाइट जो है बहुत मैटर करती है और उसी के तौर पे तौर तरीके से अपने एनिमल जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव या माइग्रेटरी एक्टिविटी जो है डिसाइड करते हैं वेरियस ऑफ सच एज कंपोजिशन ग्रेन साइज एग्रीगेशन डिटरमाइन द द प्री परकोलेशन एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द दॉइल्स जी हाँ ये सही है ठीक है सॉइल का कंपोजिशन ग्रेन साइज एग्रीगेशन डिटरमाइन करता है कि परकोलेशन या वाटर होल्डिंग कितनी है साइल सॉइल की तो दिस इज दिसो करेक्ट साल्ट साल्ट साल्टेंट्रेशन इज मोर देन फाइव परसेंट इन इंडलैंड वाटर्स लेस देन होता है ठीक है साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन फाइव परसेंट इन इंडियन वाटर्स तो ये भी एनसीआरटी बेस्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे टू एंड थ्री आर करेक्ट वन एंड फोर आर रॉन्ग ठीक है तो टू हमें करेक्ट कितना है पूछा गया तो टू एंड थ्री आर करेक्ट सो बी ऑप्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ स्लाइमोल्ड्स

ऑनली फॉर वन कैरेक्टर तो देखो पी प्लांट है हिटर जॉयगस है फॉर अ कैरेक्टर ठीक है एंड रिसेसिव होमोजाइगस फॉर अनदर कैरेक्टर मतलब क्या अगर एक प्लांट है उसका कोई कैरेक्टर है जो ए और बी से हम डीनोट करते हैं ठीक है ठीके? तो हिटर जोगस मतलब क्या होगा एक डोमिनेट होगा एक एक, एक रिसेसिव होगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा एंड रिसेसिव होमोजाइगस मतलब दूसरा क्या होगा स्मॉल बी स्मॉल बी होगा और इसका क्या किया और ठीक है उसको क्या किया क्रॉस किया विथ अनदर प्लांट ऑफ सेम फॉर बोथ मतलब क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इनका क्रॉस किया तो हमें क्या पूछा गया है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ देर ऑफ विल बी द हिटरजाइगस फॉर एनली वन कैरेक्टर वन कैरेक्टर के लिए हिटरजाइगस कौन सा होने वाला है ठीक है मतलब क्या एक कैरेक्टर उसमें से हेटरजाइगस चाहिए हमें एक तो कैपिटल ए स्मॉल ए चाहिए उस उसमें चाहिए नहीं तो फिर कैपिटल बी स्मॉल बी उसमें चाहिए ठीक है एक कैरेक्टर ऐसा एक कैरेक्टर सिर्फ हेटरजाइगस होने वाले कितने परसेंट मिलेंगे तो अभी क्या करना है सिंपल वही प्रोसीजर करते आए हैं दोनों लेने हैं कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी क्रॉस करना है उसको कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ उनके गैमेट्स के आने वाले हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी देन स्मॉल ए स्मॉल बी अब आ, करो क्रॉस हर एक पहला क्या आएगा कैपिटल ए का साथ कैपिटल ए बी के साथ कैपिटल ए स्मॉल बी तो वो क्या आने वाला है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी फिर दूसरा क्या आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए स्मॉल बी वो क्या आएगा कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी फिर तीसरा क्या आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए फिर कैपिटल बी स्मॉल बी फिर फोर्थ आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी फिर आप ऐसे ही नीचे के करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे चार कैमेट्स है तो एट जो है टोटल मिलने वाले प्रोजीनी तो हमें इसमें से क्या ढूंढना है एटलीस्ट वन कैरेक्टर तो यहाँ पे देखो पहले इसमें क्या आया था हमारा कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल बी स्मॉल बी एक कैरेक्टर के लिए एक क्या है कैपिटल बी स्मॉल बी है इसमें तो ये एक हो गया फिर यहाँ पे बी दूसरा आया था कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी तो इसमें हिटर किसी भी कैरेक्टर नहीं है दोनों होमोजागरस है डोमिनेंट और डिसिसिव तो ये गया ठीक है फिर क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी तो ये है तीन हो गया फिर देखो कैपिटल ए स्मॉल ए है फिर कैपिटल भी कैपिटल भी है ठीक है तो कितना हो गया अभी तीन और और एक है पे देखो क्या स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी तो चार तो टोटल आठ में से चार जो है वो दे आर हिटर फॉर ओनली वन कैरेक्टर मतलब हंड्रेड में आठ टोटल आए तो आठ में से चार है मतलब क्या हंड्रेड में फिफ्टी परसेंट तो फिफ्टी परसेंट आएगा आंसर बी ऑप्शन फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ कॉकरोच ओके नंबर ऑफ ओवर इन फीमेल कॉकरोच ओवरूअल्स कितने होते हैं टोटल सिक्सटीन होते हैं एट ओवरियल एट ओवरियल्स होते हैं एक इन एक ओवरी में तो दो ओवरी होती है तो टोटल सिक्सटीन हुए द एवरेज नंबर ऑफ ऊथिका प्रोड्यूस बाय द फीमेल कॉकरोच ऊथिका कितना करता है ऊथी का कॉकरोच प्रोड्यूस दैट इज अराउंड नाइन टू टेन देन नंबर ऑफ टाइम्स थर्टीन टाइम्स मोल्टिंग जाता है इजी है नंबर ऑफ गैस्ट्रिक सीखे मतलब हिपेटिक सीखे कितने होते हैं सिक्स टू एट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अभी इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर से जो है लगाना है सो so, यहाँ पे देखो आ, सबसे ज़्यादा क्या है ओवेरिवल्स है ओवी है सिक्सटीन है फिर उसके बाद मोल्ट से थर्टीन तो ओवी देखो यहाँ पे मोल्ट देन ओथिका है नाइन टू टेन एंड देन सबसे गैस्ट्रिक सिक्का कि हेपेटिक सिक्का कितने हैं सिक्स टू एट तो यहाँ पे डी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फाइलम हुज ऑर्गेनिजम्स आर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नोकॉड एंड पेयर फेरेंजियल स्लिट्स डॉर्सल हॉलो नोकॉड ठीक है पेयर फेरेंजियल स्लिट्स तो किसकी है ये कॉल डेटा का फीचर्स है ठीक है तो क्या पूछा हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द फाइलम हुज ऑर्गेनिज्म आर करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ डॉर्सो हॉलो नोकॉड ओके

तो ये गलत है पूरे प्रोकॉर्डियस नहीं होता इन ऑल इनऑलॉर्डर्स दिया उन्होंने तो ये गलत है द मेंबर्स ऑफ क्लास टू विच मैगजीन बिलोंग्स टू शो द प्रेजेंस ऑफ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज तो सही बात है ठीक है साइक्लोस्टोमेटा क्लास के ये बिलोंग करती है और वो सल्क्यर माउथ होता है सकिंग के लिए होता है तो ये दिस इज राइट यहीं पे आंसर मिल गया हमें लेकिन फिर भी चेक करते हैं द मेंबर्स ऑफ क्लास ऑस्टिक्स

एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोलडेड कौन सा प्रियॉन्स होता है प्रियॉन्स तो उन्होंने फाइंड आउट नहीं किया था ठीक है उन्होंने जो है वायरस से एक छोटा स्मॉल ठीक है फाइंड आउट किया था एजेंट इन क्या बोलते हैं उसको पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में तो ये गलत है प्रियन उन्होंने नहीं किया था ठीक है प्रियन और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रियंस होते हैं नेक्स्ट वायरॉइड किया था उन्होंने ठीक है सो एम एमड डब्ल्यू एम स्टैंडली क्रिस्टल फ्रॉम वायरस कंटेंस प्रोटीन जहाँ उन्होंने किया था यही पे आंसर मिल गया है तो आगे बढ़ते हैं तो टी एम वी में रिकग्नाइज वायरस लाइक पार्टिकल योनिस्की कॉन्टेडम नाई बेजरिंग ने किया था ये दोनों का थोड़ा सा क्रॉस दिया है तो बी ऑप्शन इज राइट ड्रॉसोफिला विथ वाई प्लस एंड डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू हैज वाई डब्ल्यू जीनो टाइप हैज तो देखो ड्रॉसोफिला में वाई मतलब होता है येलो बॉडीड और जब भी उसको प्लस लगता है तो वो क्या होता है वाइल्ड टाइप ऑफ जीन होता है वो जैसे कि डोमिनेंट होता है ठीक है तो वाई प्लस वाला आता है ब्राउन कलर का तो यहाँ पे देखो वाई प्लस दिया है तो वो ब्राउन कलर का होगा पहला और फिर डब्ल्यू मतलब क्या वाइट आए तो नॉर्मल है वाइट आए तो वो पहला क्या होगा येल्लो बॉडी वाइट आए और दूसरे में प्लस भी कुछ नहीं है सीधा है तो स्मॉल वाई मतलब क्या येल्लो बॉडी होगा उसका और उस फिर स्मॉल डब्ल्यू है तो क्या होगा वाइट आइज ठीक है पहला क्या आएगा? Body, है क्या आएगा फिर ब्राउन बॉडी क्योंकि वाई प्लस है वहां पर दूसरा क्या क्या आएगा वाइट आइज क्योंकि सिर्फ डब्ल्यू उस पर हाइब्रिड नहीं लगाए ठीक है डब्ल्यू नहीं लगाए वाइल्ड टाइप ऑफ जीन नहीं लगाए डब्ल्यू बोलता हूं प्लस नहीं लगाए विच ऑफ दिस करेक्ट अबाउट द सेल सेल ऑर्गेनेल्स इन द सेल ऑफ माउस ओके राइबोजोम लाइबोजोम पेरॉक्स गोल्गी बॉडीज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तो नॉन मेम्ब्रेन नहीं होते लाइजोजोम्स तो so ये गलत है राइबोजोम्स न्यूक्लियोलस, सीलिया सिंगल माउंट मेम्ब्रेन, मिजोजोम्स नहीं होते उसमें चलो तो ये भी गलत डबल मेम्ब्रेन दिया है सेंट्रियोल्स राइबोजोम सही बात है सेंट्रियल्स राइबोजोम्स दे आर नॉन मेम्बरे लाइजोजोम्स एंड वैक्यूल सिंगल मेम्बर सही बात है माइटोकॉन्ट्री न्यूक्लियस डबल मेम्रेन तो ये आई है सी ऑप्शन ऑब्जर्व द गि डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ओके सो दिज आर द फोर लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तो ई बी सी डी दिया है हमें तो पहला ऑप्शन क्या है पार्ट सी इज द ड्यू डी एनम कंटेंट स्पेशल ग्राउंड कार्ड एज ब्रूनल ग्लैंड सी किधर है इधर ओके okay, अंदर वाला है म्यूकोसल लेयर है तो so, सी में म्यूकोसल लेयर में नहीं होते सब म्यूकोसल लेयर में होते ब्रूनल ग्लैंड तो ये गलत है पार्ट ए इज मेड अप ऑफ थीनिपिथीलियम फॉर्म विस्कर ऑर्गन्स एंड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज तो ये एक इधर है इधर है मतलब ये कौन सा लेयर फॉर्म कर रहा है सिरोसा सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर होता है ठीक है तो वो थीम से बना होता है मिजोथिलियम मतलब ए ऑफ विसल ऑर्गन्स सही बात है तो यहीं पे आंसर मिल गया हमें ए बी आगे बढ़ते हैं टाइम सेव करते हैं अभी बहुत टाइम हो रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच तो ये भी एन सी आर टी अब तक सारे क्वेश्चन जो है एन सी आर टी बेस्ट आए हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच स्टार्टिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स ओके okay, सही बात है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन है तो ये गलत है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंजूमर्स ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का है तो ये भी गलत है डीकम्पोजिशन ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्गेनिक सब्टेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट तो ये सही है तो यहाँ पे इसका क्या है एंड ऑप्शन ऑप्शन। होगा, सो सी द प्रॉपर्टी विच ऑफ दिस करेक्ट विच ऑफ दिस इज इन करेक्ट दिया है ठीक है सो प्रोकैरियोट्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा वॉल माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा में वॉल होती नहीं है तो so, ये गलत दिया है यहाँ पे यही पे आंसर मिल गया इनकर हैव सिंगल स्टैंड आरएनए इन जेनेटिक मटेरियल सही बात है प्रियॉन्स डोंट हैव न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल बोवाइन मटीरियल बोवाइनपॉजीफॉम इफोलोपैथी प्रियॉन सही बात है ये भी पोटैटो इससे होता है स्प्रिंगल से यूनिसोलर प्लांट्स हैव प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा बाय विटेकर क्लोरेला तो सही बात है प्लांट्स में उसको प्लेस किया था विटेकर ने तो ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट अ पर्सन हैविंग ऑफ दिस ब्लड ग्रुप इज श्योरली होमोजाइगस देखो अभी ए वाले बी वाले या फिर ए बी वाले होमोजाइगस तो होते हुए हो, होने की संभावना प्योरली होने की संभावना नहीं है क्योंकि ए वाले में आइर आए आई जीरो भी हो सकता है फिर आए आए भी हो सकता है वो हम बता नहीं सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आई बी का वही होता है आई बी हो सकता है आई ओ हो सकता है तो और इसी सी बी डोमिनेंट तो बी एक्सप्रेस करता है तो वो भी हो सकता है आई आई बी में तो को डोमिनेंस होता है तो वो तो होमोजाइगस हो ही नहीं सकता है तो बचता क्या है ओ अब इसमें कंफ्यूजन क्या है ओ पॉजिटिव एंड ओ निगेटिव के बारे में ठीक है तो देखो आर एच एंटीजन अगर प्रेजेंट रहा ठीक है आर एच एंटीजन प्रेजेंट रहा तो वो होगा का हुई आर एच एंटीजन हम आर से सीट करें कैपिटल आर और एब्सेंट है तो हम स्मॉल आर से नेट करें तो वो क्या हो जाएगा ओ का ठीक है तो ओ मतलब क्या तीनों आई जीरो आई जीरो आते हैं ठीक है रिसेसिव आते हैं फिर उसमें जीरो टाइप नहीं है तो वो स्मॉल आर आ जाएगा क्योंकि क्लियरली उसमें आर एच एंटीजन नहीं आ रहा है ठीक है तो कैपिटल आर किस में आएगा ओ एच पॉजिटिव में आएगा पॉजिटिव में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है प्योरली होमोजाइगस है क्या ये नहीं है होमोजाइगस प्योरली कौन है निगेटिव है क्योंकि उसमें आर एच एंटीजन नहीं है बाकी आईओ आईओ है प्योरली होमोजाइगस राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल ऑब्जर्व इन यूकैरियोटिक सेल इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस ओके राइबोसोम ऑफ अ यूकैरियोट इज ए टी एस टाइप इट इज एसोसिएटेड विच ऑफ दिस प्लाज्मिड में होता ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया होता है ए टी एस सेवेंटी एर्स होता है न्यूक्लियस मेटीएस होता है गोल की बॉडी में नहीं होता है इंडोप्लाज्मी रेडिक में होता है सो वन so, नहीं थ्री एंड फाइव डी ऑप्शन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन द मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द माइक्रोफाइजेस एंड द ल्यूकोसाइट्स एंड साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेम टाइप ऑफ मूवमेंट ओके इट्स राइट एमीबॉडी मूवमेंट्स सही बात है द एक्टिविटी ऑफ मसल्स लोकेटेड इन द रीपोक्टिव टैट इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ सिस्टम नो इट इज इलोन होता है सही बात है द मसल फाइबर्स विच हैव लेस क्वांटिटी ऑफ माओग्लोबिन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ट्रिया एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो लेस नहीं देखो व्हाइट मसल्स में माओग्लोबिन कम होता है माइटोकॉन्ट्रिया कम होता है लेकिन सा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें ज्यादा होता है तो ये गलत है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर दैन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जी हाँ इट इज ट्रू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पायरेशन लॉसिस टू गि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस नहीं माइनस होना चाहिए यहाँ पे तो so, ये गलत है फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट द रेट ऑफ रेस्पाशन ऑफ द प्लाट्स अफेक्ट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द रेट ऑफ रेस्पेशन प्लाट्स अफेक्ट्स यस इट इज अफेक्ट तो ये सही है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इजल टू रिस्पेक्टरी लॉस नो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस नेट प्राइमरी इज इकल टू रिस्पेक्टरी लॉस तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स थर्ड ट्रू फोर्थ फॉल्स सो दैट इज ए ऑप्शन फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स थर्ड ट्रू फोर्थ फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हिटरोसिस आर फॉर्म फ्रॉम ब्लू ग्रीन आलगी दे आर फॉर्म इन ब्लूट्रोजन फिक्स जी हाँ हेट्रोसिस्ट आर फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्रोजन सर्वेशन जी हाँ एनिबाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ्रोसिस्ट फॉर्मिंग एक्टीरिया सही है बॉन्ड विद पाल एजेप एज अ डिपिकेटेड इन द फिगर बिलो वट अबाउट दाइल्ड इज करेक्ट सीमियनक्रीज है फ्यूचर ऑफ डाउन सिंह तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है फोर्टी सेवन क्रोमोजोम होते हैं एक एक्स्ट्रा क्या होता है उसमें ऑटोजोम होता है ठीक है ट्वेंटी वन पेयर पे सो ऑप्शन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द दर्गेनल लाइजोजोम इट कंटेन्स इंजाइम मोस्टली एक्टिव इन एसिडिक पी एच जी हाँ इट इज नोन एज सुसाइडल बैक जी हाँ द इज डायरेक्टली डेराइव फ्रॉम एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो गोल्गी गोल्गीटर से आया है तो ये गलत है इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नो इसमें इंजाइम्स होते हैं तो फर्स्ट टू आर करेक्ट ओनली Which of the following is correct about appendicular skeleton? The clavicle articulates with the glenoid cavity. Glenoid cavity नहीं उसके साथ नहीं सीधा एपिक करते हैं वहाँ पे आ, क्या होता है उसका acromion process होता है ठीक है acromion process में mostly वो articulates करते हैं तो ये गलत है then

The process of decomposition, which is incorrect. Fragmentation, breakdown of detritus into smaller particles, सही बात है देखो अब तक के सारे एनसीआरटी है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ ठीक है जिन्होंने मुझे बोला था एनसीआर के का ही पता नहीं जब एनसीआर का बाहर आएगा तब मैं बता दूंगा Leaching वाटर सोल्यूबल और इनऑर्गेनिक nutrients गो डाउन into द सॉइल ऑरिजन सही बात है कैटाबोलिज्म enzymes डिग्रेड detritus इंटू स्मॉल inorganic substances, सही बात है ह्यूमिफिकेशन मीन्स रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिय from ह्यूमस नो no, humification मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन्स तो उससे रिलीज होने लगे तो उसका हम मिनरलाइजेशन uh, कहेंगे तो ये गलत है फिलामेंट्स फॉर्म विथ फ्लैजिलेटेड गैमेट कोलोनियल ओगैमस फॉर्म फॉर्मिंग मैसिव प्लांट बॉडीज फिलामेंट्स विथ नॉन मोटाइल गैमेट तो यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमेट जो है मोस्टली स्पायरोगारा में होते हैं तो फोर का भी किस में दिया है एक ही ऑप्शन में दिया है तो वही उसका आंसर होगा वन का ए फिलामेंटस विथ फाइलेजेड गैमेट एलोथ्रिक्स सेकंड का सी कॉलोनियल ऊ कैमस फॉर्म सही बात है वॉलवैक्स तो आगे बढ़ते हैं अभी विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट द लिंकेज ग्रुप्स आर करेट हैज फोर लिंकेज ग्रुप्स एंड वेल द पाइसम हैज सेवन लिंकेज ग्रुप्स देखो नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेयर के ऊपर जो है वो लिंकेज डिपेंड होता है ठीक है सो ड्रॉसोफिला में देखो आठ होते हैं क्रोमोजोम्स तो वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो चार लिंकेज फॉर्म करेंगे पाइसम सेट में फोर्टीन होते तो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या करेंगे सेवन फॉर्म करेंगे लिंकेज ग्रुप ये ऑप्शन राइट द फॉलोइंग फिर से एक बार मैच दो फॉलोइंग करना है रेनिन रेनिन का फंक्शन क्या है ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन ठीक है ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन है और ये पॉलीपेप्टाइड है, तो वन फोर फोर नहीं फोर नहीं ब्रेकिंग ऑफ इधर है सो वन टू फोर ये ऑप्शन में दिया है किसी ऑप्शन में तो ये इसका आंसर होने वाला है टू वन थ्री टेस्टोस्टिर केमिकल मैसेंजर, लिपिड है सही बात है ठीक है विटामिन नियासिन बायो कैटलिस्ट जी हाँ कोइंज सही बात है स्टार्च स्टोरेज एनर्जी आएगा और पॉलिसेक्रेट सही बात है तो ये ऑप्शन इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन गिवन इन द कॉलम वन विथ फंक्शन परफॉर्म बाय द देम गिवन इन कॉलम टू ओके द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन मेजर पार्ट मतलब सेरे भ्रम और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर सेंसर एंड इंटर सेंसर एक्शंस तो वन का टू वन का टू देखो किधर दिया है ए और बी में दिया है ठीक है सी और डी लिमिट हो गया तो पार्ट ऑफ सी एट द बेस ऑफ थैलेमस इज हाइपोथैलेमस क्या करता है टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करता है सो so टू का फोर बी ऑप्शन में दिया है तो इसका आंसर क्या आने वाला है बी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं टाइम सेव करते हैं फिर से एक बार जेनेटिक डाइवर्सिटी मैच द फॉलोइंग मुझे लगता है लेंदी क्वेश्चन है लेंदी पेपर है इस बार ठीक है अब तक फिर एन से है बाहर कुछ भी नहीं आया सो जेनेटिक डाइवर्सिटीज द प्रोपोरेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ रोल्फिया प्लांट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालय दिस इज जेनेटिक सो ए का थ्री बी में दिया है तो बी इसका आंसर होगा स्पेश डाइवर्सिटी मतलब एम्फीबियंस फाउंड ऑन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स सही बात है और इकोलॉजिकल मतलब क्या Scandinavian country like Norway has a lesser diversity than India. So right option will be the B option. Which of the following part of organisms is correctly matched with their description? pteridophytes which are heterosporous cellaginella salvinus cybate, gymnosporus, which branched stem pinus and citrus cybate, I'll give it haplodiplontic life, Ectocarpus polycipina, cybate, bryophytes with protonema stage. And spagnum, phagnum, सही बात है तो चारों के चारों से है, सही है सी ऑप्शन ओके कलरफुल व्हाट कैन बी प्रोडिक्ट अबाउट ऑफ अ कपल ठीक है वो दोनों ये पढ़ सकते हैं नंबर सारे ठीक है दो पेरेंट्स है वो नंबर पढ़ सकते हैं उसके प्रोजनिंग के बारे में क्या कहते हैं तो एक तो फर्स्ट बात ये होगी कि दोनों को नहीं है मतलब एक तो उनमें से कोई तो भी कैरियर होगा नहीं तो फिर दोनों नॉर्मल होंगे ठीक है सपोज़ हम कैरियर होता है फीमेल उसकी कैरियर ऐसे सपोज कर लेते हैं मेल नॉर्मल सपोज कर लेते हैं ठीक है तो अगर वहाँ से जो है क्रॉस होता है उनका तो क्या होगा जब भी यहाँ पे लड़का एक फॉर्म होगा एक लड़का उसका कंप्लीटली कलर बैंड होगा क्योंकि एक से एक जो है फीमेल से आने वाला है वाई मेल से आने वाला है ठीक है और दूसरा भी जो तो मोस्टली एक नॉर्मल एक्स एक्स आएगा ठीक है फीमेल से और दूसरा एक नॉर्मल वाई आएगा तो वो वो बच्चा नॉर्मल होगा फिर फीमेल में क्या होगा फादर से दोनों टाइम एक्स आने वाला है जो कि नॉर्मल है और फीमेल से एक बार एक्सी आने वाला है और दूसरी बार एक्स आने वाला है तो जब भी एक्सी एक्स आएगा तो कैरियर होगी ठीक है कैरियर होगी मतलब अभी ऑप्शन क्या दिया है दे कैन हैव कलर बैंड एज सुन एज कैलर बैंड सन्स एज वेल एज कलर बाइंड डॉटर्स they can have colorblind daughters but not colorblind sons they have a colorblind sons but not colorblind daughters so that is correct hai. Colorblind usme daughter carrier a so that's a option Aur ek hai. son how many of the following organic compounds found in organism have a no direct role in their normal growth and development but may have human welfare benefits अल्कोलाइड्स फ्लामेनॉइड्स रबर इसेंशियल ओलियो एंटीबायोटिक्स कलर पिगमेंट्स सेंट्स एंड स्पेसिस तो यहाँ पे देखा जाए तो किसी भी का भी डायरेक्ट रोल नहीं ग्रोथ में या दिस आर सेकेंडरी तो मोटेबलाइट एट नो यूज नो डायरेक्ट रोल बीच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन ईयर इज ट्रू द क्रिस्टाइन मैक्यूलर आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉलेंस एंड पोस्चर बॉडी पोस्चर तो ये सही है यही पे आंसर मिल गया तो आगे बढ़ते हैं देखो सारे ऑप्शन सिर्फ एक्सप्लेन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता आपको भी यही सिखाना चाहता हूँ मैं क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर कभी सही नहीं ने होते नेट में एक ही सही होता है एक्स इज अ टर्म प्रोडक्टिविटी सॉरी एक्स इज अ टर्म पॉपुलराइज बाय वाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मोबाइल में देख रहा हूँ छोटा अक्षर है तो चश्मा नहीं मेरे को चश्मा मैं भूल गया पुणे में सो एक्स इज अ टर्म पॉपुलाइज बाय वाई जेड डिस्क्राइब कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सो एक सिस्टम मतलब यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए इको सिस्टम और बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इस टर्म पॉपुलर्ज बाय एडवर्ड विल्सन जहाँ से बात है टू डिस्क्राइब कंबाइंड डाइवर्सिटी इन एट लेवल्स ऑफ जेड इज टू डिस्क्राइब मतलब क्या सोशियोबायोलॉजिस्ट सोशियोबायोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट्स वाई सी ऑप्शन ऑप्शन आई आइडेंटिफाई विच ऑफ द गि स्टेटमेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाइव मल्टी डायरेक्शनल फ्लो थ्रू द झायलम एंड प्लाट्स जी हाँ मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है ओल्डर लीव से यंग लीवस में जाता है या कहीं पे भी जाता है तो सही है ट्रांसपोर्ट इन झायलम इज फ्रॉम स्टेम टू रूट झायलम में रूट टू स्टेम होता है तो ये गलत है मिनरल न्यूट्रिय आर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्राम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी रूट्स टू स्टेम पहले जाएंगे फिर स्टेम से डिफरेंट पार्ट जाएंगे तो ये गलत है न्यूट्रिएंट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी न्यूट्रिएंट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक लीव्स नो ठीक है मोस्टली दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम रूट्स तो ये भी गलत है तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट है ए ऑप्शन ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सरे किडनी है किडनी में कुछ तो भी फॉर्म हुआ है देखो यहाँ पे तो अब जी ऐसा कुछ होगा किडनी में तो क्या हो गया स्टोन होंगे कैल्शियम ऑक्सराइड के स्टोन होंगे सी ऑप्शन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन रिगार्डिंग द मेड अप ऑफ मिनी शुगर ज्वाइन टुगेदर जी हाँ सिल्ल इज द मेड अप ऑफ लेस देन टेन नहीं मोर देन टेन चाहिए तो ये गलत है द पार्ट ऑफ एसिड इनसोल्युबल पेलेट जी हाँ इन द एंड इज नॉन रिड्यूसिंग एंड तो ये भी सही है तो करेक्ट वंस क्या है? सही है विच आर द फॉलोइंग फोर ग्लैंड इज करेक्टली मैच विदिंग अकम्पनाइंग डिस्क्रिप्शन था हाइपर एक्टिविटी इन लंग कॉज क्रिटिजम नो हाइपर एक्टिविटी नहीं हाइपर एक्टिविटीज होता है तो ये गलत है थाइमस स्टार्ट अंडरगोइ एट्रोपी आफ्टर ट्रप्यूरेटी जी हाँ दैट इज करेक्ट यही पे आंसर मिल गया पैराथेराइड सीक्रेट्स पैराथार्मोन विच प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन्स फ्रॉम ब्लड इन टू द बोन्स नो बोन बोन से ब्लड में लाता है तो गलत है पैनक्रियाज डेल्टा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंगरा सीक्रेट्स हारमोन विच स्टलेट ग्लाइकोलाइसिस इन तो ये सही बात ये गलत बात है ठीक है ग्लाइकोलाइसिस तो बीटा सेल्स या फिर अल्फा सेल्स में हेल्प करती है ठीक है ब्रेक डाउन करने में तो मोस्टली तो बी ऑप्शन इज करेक्ट सेलेक्ट द रीजन वाई ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर बायोडावर्सिटी देन द टेम्परेट रीजन ट्रॉपिकल लेटिट्यूड रिमेन ऑफ इयर्स सही बात है देन टेम्परेट इन्वायरमेंट अनलाइक ट्रॉपिकल वंस आर द सीजनल रिटेल मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल नो ट्रॉपिकल जो है तो यह गलत है टेम्परे पास जी हाँ देर इज मोर एनर्जी वाइल अवेलेबल इन द टॉपिक्स कंट्रीब्यूटर प्रोक्टिविटी देर इज मोर सोलर टू टॉपिक्स टू दायर सही बात है तो यहाँ पे वन थ्री एंड फोर जो है सही है डी ऑप्शन विच ऑर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एज अ क्राइटेरिया ऑफ इसशियलिटी ऑफ द एलिमेंट इफ द कंस इफ द कंसर्ड एलिमेंट इज डिफिशियंट अनदर एलिमेंट कैन फुलफिल द नीड ऑफ इट नो इट इज करेक्ट इट इज नॉट फिर हमें इसेंशियलिटी के कैरेक्टर्स पूछे ठीक है तो इशेंशियल मतलब किसी के कमतरता कोई और दूसरा कम नहीं कर सकता ठीक है मतलब किसी की डिफिशियंसी कोई और भर नहीं सकता तो दिस इज अ अग्जाम्पल या फिर क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी then the plants would be complete their life cycle is irrespective of options of deficiency of elements no plants should not so this is the elements have indirect involvement in the metabolism of plants okay this is correct the elements must go absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction the elements be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction सही है ये भी तो हमें क्या पूछा गया रिंग करेक्ट गलत कौन से है तो फर्स्ट गलत है द एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो यहां पे देखो एलिमेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो ये सही है तो इनकरेक्ट तो फोर वाला तो नहीं होगा तो वन टू तो थ्री इसके ऑप्शन होंगे जो कि इनकरेक्ट होंगे मोस्टली सी ऑप्शन अनादर डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन प्रोसीड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर सबसे पहले क्या होता था ओवर प्रोडक्शन फिर क्या कॉन्स्टेंट पॉपुलर साइज फिर वेरिएशन फिर नेचुरल सिलेक्शन ठीक है अकॉर्डिंग टू द डार्विन सी ऑप्शन

क्रोमोजोन नंबर जो है वो है हो जाता है है से और माइटोसिस में क्या होता है? एक से दो सेल फॉर्म होती है, और उसकी हो जाए, रहती है।, मतलब रहता है। तो यहां पर फिफ्टी रहेगा सो दैट इज डी ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर में बॉडी इज सिकटेड बाई द ग्लैंड सिचुएटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरबेन दैट इज इट्स नहीं होता है, उसमें होता है क्योंकि मेटाबॉलिजम इक्रीज होता है तो यह भी जी हाँ ये सही है हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथर्मोन कॉजेस इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ बोल्स इन कैल्शियम हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन कॉजेस इंक्रीज डिपोजिशन नहीं डिक्रीज होगा डिक्रीज इन डिपोजिशन होगा तो यहाँ पे जो है आंसर होगा मोस्टली वन एंड थ्री ठीक है वन एंड थ्री सी ऑप्शन दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स जॉन वर्क्स एज अ ग्राउंड स्टाफ एज अ मिलिट्री पोस्ट वाइल मॉनिटरिंग द टेस्ट फ्लाइट ऑफ द जेट प्लान ही एक्सीडेंटली स्टैंड टू चूज द क्लोज इंजिन एंड लाउड नॉइज रेंडर्स हिम ब्रीफ द परमानेंट डैमेज टू हिज हियरिंग इज पॉसिबल वेन द साउंड लेवल इज ब्रेकिंग द डॉर्मनसी ओके तो, uh, okay. तो यह थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है ठीक है uh, मतलब दिया है सी डॉस के बारे में इतना डिटेल नहीं दिया तो अभी इम्परमिबल सीड कोट होगा तो क्या करेंगे इम्परम्यूबल सीड होता तो हम क्या करेंगे स्केरिफिकेशन करेंगे ठीक है टू ब्रेक द डॉर्मसी क्या होता है प्रोसेस होता है ऑफ वीकनिंग ओपनिंग ठीक है ऑफ कोट ऑफ सीड ठीक है ओपन करते हैं उसे वीक करते हैं ओपनिंग करते हैं ठीक है तो जर्मिनेशन उसमें जो है इंड्यूस कर सकते हैं तो ये होता है मोस्टली इन इम्परम्यल सीड तो वन का टू देखो ये ही ऑप्शन में है तो इसका आंसर होने वाला है डबल डारोमेंसी में हम क्या करते हैं सर्टिफिकेशन भी करते हैं और सर्टिफिकेशन भी करते हैं हम मोस्टली और क्या करते हैं उसमें एम्ब्रियो का ये भी करते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट भी करते हैं ठीक है थीके? उसमें तो डबल डारोमेंसी मतलब दो एम्ब्रियो भी डॉमेंट होता है स्ट्रीट भी डॉमेंट होता है तो उसमें हम एबरेजन ऑफ स्ट्रीट कोड करते हैं स्टेटिफिकेशन भी करते हैं सॉरी ठीक है एब्जॉर ऑफ सीड कोट एंड स्टैटिफिकेशन सो so, टू का फोर देखो वही आगे लगा रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते आगे बढ़ते हैं फिर भी आपको बता देता हूँ मैं जान दो ड्राई सीड होगा तो ड्राई सीड होगा तो क्या करेंगे इन्वायरमेंट चेंज करेंगे उनको मॉइस्ट इन्वायरमेंट देंगे तो वो बदल जाएगा इम्ब्रियो इमेच्योर इम्ब्रियो में क्या करेंगे हम कॉइल्ड मॉइस्ट स्टोरेज फॉर फोर टू ट्वेल्व वीक्स उतना करेंगे तो वो जो है सॉरी डॉर्मल ब्रेक हो जाएगी तो इसलिए इसका ऑप्शन यह डी ऑप्शन

कौन सा डिप्लोइड सेल के बारे इट कैन गो अंडर गोटर मिरोजन टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ ऑफर नो इट कैन द माइटोटिक डिविजन टू रिपेयर द सेल इट कैन माइटोटिक टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ सेल तो दैट इज करेक्ट हमें इनकरेक्ट कौन सा ये पूछा है इट कैन अंडर गो माइटो डिवीजन टू रिपेयर सेल नो इट कैन द रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म ऑफ सेल जी इट हैज वन दैट प्रोजेसेज टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोजोम्स तो

फर्स्ट बॉन्ड लाइफ आर एस थ्रू द ने रिकवर्स ने कुछ नहीं बताया था ये गलत है अर्थ इज अबाउट फोर थाउजेंड सही बात है डाइवर्सिटी हैजेज बीन सेम सिंस ये भी सही बात है तो यहाँ पे देखो वन टू थ्री करेक्ट है वन थ्री फोर करेक्ट है वन टू थ्री नहीं रीड द स्टेटमेंट बिलो आइडेंटिफाई द वन दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीजिंग इफिशेंसी ऑफ गैस एक्सचेंज ब्लड एंड विल लाइक लार्जर सर्विस करें हम तो हो सकता है इंक्रीज हो द ब्लड फ्लो इज्लोड कम किया जाता है इट पास थ्रू द पल्मन तो ये भी मोस्टली किया जा सकता है इंक्रीज करने के लिए द थिकनेस ऑफ रिस्पेटिव मेमरी नॉट इंक्रीज द वाइफ ऑफ वॉल्ला एंड कैपलेज आर वेरी थी तो सही है तो हेपिट सी जो है मुझे इनक्रेक्ट लग रहा है क्योंकि थिकनेस बढ़ाने से मेमोरी की थिकनेस बढ़ने से कुछ नहीं होगा मुश्किल हो जाएगा और तो इसलिए सही ऑप्शन किया मैंने या गिवन बिलो दे आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ओजेनेसिस ठीक है ओजेनेसिस स्टेप है अब इनको अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या होगा डिवीजन ऑफ उगेनिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी उइट टू होगा सबसे पहले तो बी ऑप्शन होगा उसका फिर क्या होगा वन फॉर्मेशन ऑफ पिटरी फॉलिकल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ गल सेल फिर क्या होगा फोर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर क्या होगा फाइव एंड एनिक्वल डिवीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंट्री सेट ओवर एंड फर्स्ट पोलर बॉडी तो यहाँ पे देखो सही है यही सीक्वेंस होता है वॉट द करेक्ट सीक्वेंस फिर से एक बार क्या करते हैं हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं टेस्टिंग करते हैं सुपेरियर रिकोमेंडेंट्स की क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं कलेक्शन ऑफ एबिलिटी सबसे पहले करते हैं फिर टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकोमेंड्स करते हैं फिर क्लोन बनाते हैं उसका ठीक है और उसका फिर कमर्शलाइजन करते हैं जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन का चल रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट मैच कॉलम गिवन गिलो वेल वेट वन नॉट डॉट ओवरलैप जी हाँ देन इम्ब्रिकेट पेटल्स ओवरलैप बट नॉट इन मैटर यानी कि दो का फोर वैक्सिलरी लार्जेस्ट पेटल हैविंग टू लिटल पेटल्स जी हाँ से बात है और ट्विस्टेड जो है पेटल वो पर्टिकुलर मैटर मैनर में पर्टिकुलर मैटर में होता है एक एक ज्यादा रहता है एक कम रहता है तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी के सभी वन का बी बी ऑप्शन में तो इसका आंसर होने वाला था सिगरेट स्मोकिंग कंसिडर एज अ इंजूरियस टू हेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिक रिस्पायरेटिक कंडीशन कैन बी स्मोकिंग हैबिट लीज टू दैट इज एम पी से क्या होता है लंग का वॉल्यूम जो है कम हो जाता है सी ऑप्शन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन करेक्ट इस बार फिर से एक बार इन करेक्ट लगा दिया है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मैं तो यह गलत है बैस्टुलेशन अकोर्स दूटेरस ब्लडरस इज द ल्यूट्रियल फेज विच वेल डेवलप एंडोम सही बात है then the formation of haploid second polar body occurs just before ovulation जी हाँ just before ovulation jo hai wo ho jati hai permanent cessation of menses in location or pregnancy देखो the formation of haploid polar body इन आ कोस before ovulation नहीं होता ठीक है थीके? थोड़ा सा confused हो गया मैं uh, ये mostly होता है uh, जब uh, स्पम जो है वो उसके पास पहुंच जाता है ठीक है उसके पास पहुंच जाता है किसके पास ओइल के पास ठीक है और फैलोपिन ट्यूब में जो है मोस्टली होता है ठीक है आफ्टर ओल्यूशन तो ये गलत है परमानेंट सजेशन ऑफ मेन्स इन अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी परमानेंट या टेम्पर सजेशन होता है तो ये भी गलत है तो यहाँ पे ओनली टू इज करेक्ट वन थ्री फोर आर इनकरेक्ट मैच द प्लांट विद द एजेंट पॉलिशन युक्का में मॉथ से होता है पिछली बार भी देखा था हमने वन का सी किस में सारे में वाटर लिली इंसेक्ट के थ्रू होगा वाटर प्लांट है लेकिन इंसेक्ट के थ्रू होता है टू का थ्री टू का सी सॉरी टू का डी एक ही ऑप्शन में दिया है दैट इज बी ऑप्शन तो ये इसका होने वाला है आगे बढ़ते हैं टाइम से करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन स्टेम इज इन करेक्ट लेटरल ब्रांच विथ स्टॉट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग रोजेटी लीव्स एंड टर्ब्स ऑफ रूट्स फाउंड इन एक्वेटिक लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया ठीक है सही बात है इन बनाना पाइनएप्पल एंड एंड द लैटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम द ग्रो हॉरिजेंटली ऑयल दॉइल एंड देन केम आउट ऑब्लिकली टूवर्ड यू टू लिव सही बात है देन द प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैसमिन ब्रांच अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग टाइम आरच डाउनवर्ड इन द टच ग्राउंड तो यहां पर देखो सही बात है ठीक है सही बात है uh, मीट और जैसमिन होता है सेंटर ब्रांच आर आई डी एस होती है फ्रॉम द मेन एक्सेस एंड आफ्टर गोइंग एरियली ठीक है तो सही बात है रनर की तरह एक्ट करता है वो एक्सरिबर्ड ऑफ द स्टेम्स में गेट

Make it into woody, वो सही है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ना कुकुम्बर एंड पम्पकीन ठीक है कुकुम्बर और पंकीन में नहीं होता है वहां पे ठीक है सो so, पॉइंटेड और थॉर्न जो है मोस्टली किस में होता है सिट्रस uh, में सिट्रस वराइटी और बॉगनविले में कोकुम्बर और पंकिन में क्या होता है स्टेम गेंड्रिल होता है ठीक है तो इसलिए जो यहाँ पे देखो डी ए जो है करेक्ट है मैंने वो कुकुंबर और पंपकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं ठीक हो इसलिए मैं बोल सोचू तो वो सही तो दिया है चलो द डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग है इज वन ऑफ द स्टैंड अलाउड टू रिप्लीकेट इन अ रेडियो मीडियम कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैंड विथ द लेबल्ड था इन द डीएनए आफ्टर थ्री सक्सेसिव डिविजन्स तो देखो यहाँ पे डी एन ए जो है मॉलिक्यूल हैविंग लेबल थाइमिडिन उसको थाइमिडिन जो है दिया है ठीक है रेडियोक्टिव है और उसका एक ही स्टैंड जो है वो लेबल्ड है ठीक है उसको रेडियोक्टिव लगाया हुआ है और उसको फिर से और एक जो है उसमें रेडियोक्टिव नहीं है और वो फिर से रेडियोक्टिव इसमें डाला गया मीडियम में तो हमें मालूम है क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा डीएनए का ठीक है जिसमें एक जो है रेडियोक्टिव स्टैंड है दूसरा जो है नॉन रेडियोक्टिव स्टैंड है ठीक है तो एक क्या होगा एक जो है मोस्टली रिप्लीकेट uh, होगा एक स्टैंड पे ऊपर एक डीएनए फॉर्म होगा दूसरे स्टैंड के ऊपर दूसरा नया डीएनए फॉर्म होगा तो जो मेन जिसके ऊपर रेडियो लेबल नहीं है वो जो है वो वैसा रहेगा ठीक है नया डीएनए फॉर्म हुआ है लेकिन उसके बाजू में जो होगा स्टैंड ठीक है तो वो उसके ऊपर तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर लगने वाले हैं ठीक है क्योंकि क्या होगा क्योंकि वो हम रेडियो एक्टिव मीडियम में डाल रहे हैं उसको ठीक है और बाकी जो उसमें दूसरे स्टैंड से जो बन रहा है तो उसमें जो रेडियोक्टिव लगने वाले उसमें ऑलरेडी है और रेडियोक्टिव मीडियम में, में डाला तो उसमें भी लगने वाले तो ये क्या कर जाएगा ये नॉन रेडिएक्टिव वाले है जिसमें रेडिएक्टिव नहीं है तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा तीनों डिविजन्स के बाद भी ठीक है एक डिवीजन से दो डी फॉर्म होंगे ठीक है तो दो दूसरे डिविजन से दो चार के चार होंगे तीसरे डिवीजन के चार के आठ होंगे आठ ठीक है आठ के स्टैंड कितने होंगे सोलह होंगे लेकिन एक जो पेरेंट में मेन था वो वैसा का वैसा ही रहेगा ठीक है और बाकी फिफ्टीन में जो है वो लेबल लगा हुआ होगा क्योंकि वो सारे हमने मीडियम में डाले तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन द करेक्ट पाथवे ऑफ मिल्क इजेक्शन थ्रू द मेमरी क्या होता है करेक्ट पाथवे देखो सबसे पहले क्या होगा uh, बेबी का ठीक है सकलिंग एक्शन ऑफ द बेबी ऑन द चेस्ट होगा ठीक है थ्री देन उसके बाद क्या होगा सेंसर इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड ट्रू द सोमेटिक नर्व फ्रॉम द निपल्स टू द मदर्स स्पाइनल कॉर्ड एंड देन हर हाइपोथेलामस ठीक है थ्री वन फिर उसके बाद क्या होगा थ्री वन कहाँ से दिया है दोनों बी और सी में दिया है चलो बहुत टाइम हो गया हमने टाइम के ऊपर ध्यान ही नहीं है चलो देन ऑक्सीडोसिन uh, फिर सीक्रेट होगा वहां से ठीक है पोस्टीरियर रिपीटोरेज से पोस्टीरियर पोस्टिव से ऑक्सीडोसिन ऑक्सीडोसिन आके क्या एक्ट करेगा वहां पे सेल के ऊपर ठीक है किधर है आ, हाँ फिर माया माय सेल के ऊपर क्या आ, ये करेगा ठीक है फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फिर रिजेक्शन होगा तो कहा है थ्री वन फोर थ्री वन फाइव फोर टू थ्री वन फाइव फोर टू किधर है जा सी ऑप्शन आइडेंटिफाई होमो प्राइमेटा आइडेंटिफाइज करेक्ट होमो प्राइमेटा फैमिली होती है हमारी नई होमडिडी फैमिली होती है तो ये गलत है मस्केची मस्कीडी फैमिली होती है तो ये भी गलत है म, मैंगनी के सेपेंडिल्स ने एनाकार होती है ट्रिटिकम वीट की पोएसि फैमिली सही बात है फोर्थ ऑप्शन आगे बढ़ते हैं वेरिएशन इन यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पेयरिंग फॉर्म करनी है हमें तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन फ्लावर एलवि सही बात है पोरिकल्परिक सिंकर्पज गायनेशियम टोमैटो जी हाँ ओवर इज वन चेंबर्ड बट इज बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल सेक्टम एग्रीमोनी सही बात है द गायनेशियम ऑक्युपाइज द हाइस्ट पोजिशन तो वो कौन सा होगा फ्लावर ठीक है अदर पार्ट्स बिलो इट अदर पार्ट ठीक है तो उसमें सुपेरियर हो रही होती है और यहाँ पे गावा दिया है तो गावा में सुपेरियर तो नहीं होती है ठीक है तो गावा में ईपी काइनस कंडीशन होता है तो उसमें नहीं होता है सुपेरियर इनफीरियर होता है तो ये गलत है चलो द डीएनए सैम्पल थर्टीन पॉइंट नाइन लॉन्ग इट हैज अ टेन परसेंट साइटोसिन मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन गिवन सैंपल ठीक है सो यहाँ पे क्या हुआ है टेन परसेंट साइटोसिन मॉलिक्यूल्स है थर्टीन पॉइंट सिक्स नैनोमीटर डीएनए तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैलकुलेट करने तो यहाँ पे थर्टीन पॉइंट सिक्स लेन ए है ठीक है तो नॉर्मली एक डीएनए में एक टन कितने लेता है थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर के बाद तो यहाँ पे कितने टर्स होंगे इसमें यह पहले निकालना पड़ेगा कितने थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री पॉइंट फोर करेंगे तो कितना आता है लगभग फोर फोर थ्री थ्री टू जो ट्वेंटी ऊपर के कितने सिक्सटीन तो फोर फोर ज़्यादा सिक्सटीन तो लगभग कितना आता है फोर ठीक है फोर टर्न होंगे तो हमें मालूम है एक टन में कितने बेस पेयर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टाइड्स ट्वेंटी ठीक है तो अभी देखो तो यहाँ पे चार टन है तो कितने होंगे उसमें टोटल ट्वेंटी इंटू फोर एटी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ठीक है तो अभी कितना है साइटो टेन परसेंट दिया है तो हमें एटी का टेन परसेंट निकालना होगा एटी का टेन परसेंट कितना होगा एट तो मतलब नंबर ऑफ साइटोसिन मॉलिक्यूल कितना होता है एट होगा तो साइटोसिन एट होगा तो चरा, चरा के अनुसार चरासारोन ग्वान भी एटी होगा ठीक है दोनों एट एट हो गए तो यहाँ पे साइटोसिन और ग्वान में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं थ्री वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ठीक है थ्री एट so, है मॉलिक्यूल तो थ्री थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर इन दोनों के बीच में होंगे हाइड्रोजन ठीक है अब ये जो है था साइटोसिन टेन परसेंट इन टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ठीक है बाकी का क्या होगा फोर सिक्सटी पर बाकी का क्या होगा एटी uh, परसेंट बाकी का एटी परसेंट क्या होगा एडन एडन थान मतलब वो दोनों क्या होंगे फोर्टी फोर्टी परसेंट होंगे दोनों ठीक है अगर दोनों फोर्टी फोर्टी परसेंट है सो अभी हमें 80 का 40 परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एटी तो फोर्टी वन जो एट फोर या हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो जीरो काट दो थर्टी टू आता है तो मतलब क्या थर्टी टू मोलिक्यूल थाइमिन के होंगे और थर्टी टू मोलिक्यूल के होंगे इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं सो थर्टी टू इंटू टू कितना आएगा सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर ये और हमने इसके किस निकाले थे हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के

इन द फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब मैंने यूटेरस में कर दी है तो ये भी गलत है कॉपर आय सप्रेस द मोटेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग दिस इज ट्रू हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज प्रिवेंट एवोल्यूशन सही बात है थ्री एंड फोर आर ट्रू ट्रू वन टू फॉल्स तो बी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लांट्स प्रोपेगे ऑनियन टू बल्ब होता है वो नहीं होता गलत है कोला कोलाकेसियान नहीं होता राइजोम होता है ये भी गलत है ऑनियन फिर से ही सर दिया तो ये भी गलत है मिंट लॉन्ग्रॉस या नैगोजिस सही बात है रनर से होते हैं इंडोकार्प इज हार्ड स्टोनी इन द ड्रुप ऑफ इंडोकार्प हार्ड स्टोनी मैनीफेरा इंडिका एंड कोकोस न्यूसीफेरा कोकोनट और मैंगो होता है उनमें इंडोकार्प हार्ट तो ये ऑप्शन सही है वहीं पर मिल गया आगे बढ़ते हैं ओके ल्यूसिन इज वन ऑफ द थ्री होमानो एसिड्स Which are coded by six codons? The codons that code for leucine is CUU, CUC, CUA, CUG, UUA, UUG. How many minimum types of tRNA will be required? देखो, दे जब यहाँ पे codon-anticodon -codon complex की बात आती है, और हमें मालूम है कि ये जो होते हैं, degenerate होते हैं codons, ठीक है? मतलब एक से ज़्यादा codon जो है, amino acid के लिए code कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोडन एंटी कोडॉन में वोबल हाइपोताइसिस नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसमें थर्ड बेस पेयर जो होती है वो मोस्टली uh, इतनी यूजफुल नहीं होती पहले दो पेयर से ही मोस्टली जो है वो कोड कर देता है ठीक है अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस सो so, यहाँ पे देखो uh, जिनमें पहले दो सेम है तो उसमें एक उसके लिए एक ही टी आर नहीं लगेगा जैसे कि सी यू पहला दो सी यू इसमें भी सी यू इसमें भी सी यू ठीक है ये चारों में पहले दो ये जो कोडॉन है वो सेम है तो उसके लिए एक ही टीआरएन लगेगा और फिर यूयू -यू के लिए जो है हमें दूसरा एक लगेगा ठीक है क्योंकि इसमें भी यूयू -यू है इसमें भी यू है तो दो टीआर लगेंगे अकॉर्डिंग टू वो हाइपोथेसिस तो बी ऑप्शन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एस्टडीज आर रिपोर्टेड टू बी द हाई दाई द दर्स इन एज ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी फोर ईयर सही बात है एम टी पीस हैज सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दो इट इज नॉट मीन फॉर परपज सही बात है फीमेल्स आर मे बी इन्फेक्टेड विथ ऑफन सिम्टोमेटिक स्टडी से जी हाँ मेनी रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग सही बात है द रीजनस फॉर इनफर्टिलिटी कैन नॉट भी इम्योलॉजिकल नहीं इम्योलॉजिकल हो सकता है एड्स तो इम्योलॉजिकल ही होता है उसके डिस तो उससे भी एड्स uh, नहीं लेकिन बाकी के डिस भी इम्योलॉजिकल हो सकते हैं ठीक है सो फिजोलॉजिकल so, uh, हो सकते हैं कंजनेटल हो सकते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं तो इम्योलॉजिकल भी हो सकता है तो ये इनकरेक्ट है बहुत टाइम हो गया चलो uh, फिर से एक बार ट्रू फॉल्स द एंथर ऑफ ऑल एनजियोस्पम्प है नो सारे की फोर्थिका नहीं होती है कुछ कुछ फैमिली होती है जिनमें डायथिकस भी होता है तो ये गलत है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पर टैपेटम नहीं इनर मोस्ट होता है टैपेटम गलत है डिस्टिल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द स्टेमन जी यहाँ सही बात है पोलंग्रेन ऑफ द सेम स्पेसिस डिफर फ्रॉम ईच अदर नहीं सेम स्पीसीज के सिमिलर होता है मॉर्फोजेनिकल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे क्या होगा वन टू एंड थ्री जो है फॉल्स होंगे तो दैट इज वन फॉल्स सेकंड फॉल्स थर्ड ट्रू फोर्थ फॉल्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एल्ब्यूमिनस सेल्स जी हा इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन पेरी साइकिल जी हाँ वहीं पे होता है एडेक्सिल होना चाहिए था ठीक है अपर एंड लोअर पोर्शन एबैक्ल एडेक् होता है ना तो यहाँ पे एडेक् होना चाहिए था तो यहाँ पे सी ऑप्शन इन करेक्ट है विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस यूज टू इंसर्ट रे कॉम्बिनेट डी एन ए डायरेक्टली इन टू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स माइक्रो इंजेक्शन ठीक है थ्रू द हम पीपीडे डाल देते सीधा डी ऑप्शन

तो यहाँ पे ये सही है तो इनकरेक्ट कौन सा यहाँ पे टू एंड थ्री सो दैट इज डी ऑप्शन मैच द कॉलम गिवन बिलो करेक्टली अर्ली वुड लेट वुड हार्ट वुड देखो हार्ड वुड मतलब क्या होता है हार्ट वुड डेढ़ एलिमेंट से बना होता है हाईली एग्निफाइड होता है उसमें तो यहाँ पे थ्री का टू किधर है एक ही ऑप्शन में तो ये पे ऑप्शन मिल गया हमें ठीक है तो जल्दी आगे बढ़ते हैं इको आ रहा है आर स्टैंड फॉर स्टेन आर वाई थर्टीन ंग यूजोलिक स्टेड्स इन मेल्स कैन लीड टू डिक्रीज इन साइज ऑफ टेस्ट इंक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टीज एंड्रीज इन साइज ऑफ टेस्टीज ब्लड इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट लैंड तो इंक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टिस ब्लड डिक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेड लैंड टू आई थिंक यहां पर जो है क्या होता है डिक्रीज इन साइज ऑफ टेस्टिस होता है और इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोस्टेट लैंड होता है इस बैड इफेक्ट ऑफ

जी हाँ यहाँ पे लाइट के साथ वैरी कर रहा है तो सही बात है रीजन सी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीज फर्दर बाई इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी बिकॉज सम अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग जी हाँ सही बात है वहीं पे जो है लिमिट कर रहा है लाइट को और दूसरे फैक्टर उसको लिमिटिंग बन गए वहाँ पे पॉइंट डी रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट सम अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग जी हाँ देखो यहाँ पे डी में रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपन लाइट इंटेंसिटी बट डिपेंस अपॉन लाइट ड्यूरेशन तो यह गलत है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है लेकिन बाद में दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाते हैं क्योंकि पहले बढ़ता नहीं फिर यहाँ पर जो ऐसा बढ़ रहा है ये बढ़ता नहीं तो डी ऑप्शन इज इन करेक्ट पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू एज अ रिस्ट्रिक्शन साइड फॉर मेरी रिस्ट्रिक्शन इंटोन्यक्स विच ऑफ इन्जैम्स एक्ट ऑन पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स सोर्स ठीक है तो यहाँ पे देखा जाए तो पी वी यू

रिएक्शन सेंटर इज नॉट साइकल्ड बैक थ्रू इट्स लॉस कंप्लीटली बाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोलिस ऑफ वाटर जी हाँ देन कैल्शियम ए कैल्शियम बी कैरेटोनाइडो जैंथोफिल्स आर इनसोलिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन इन ऑर्गेनिक सोलवेंट नहीं सोलियबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर लाइट इज यूज इन फोटो सिंथे ऑल्सो नोन एज पी आर सही बात है रेड लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव तो सही बात है यहाँ पे सिर्फ थर्ड जो है इनकरेक्ट है तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं इसमें थर्ड जो इनकरेक्ट है तो 82 टू यहाँ पर मैं मार्क नहीं करूंगा 82 टू आई थिंक कुछ छूट गया है जी हाँ एटी वन मार्क रहेगा हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक इमीडिएटली आफ्टर पोलिन ट्यूब रक्चर एम्ब्रियो जब पोलिन ट्यूब रपच्चर होंगी सैक में तो दो मेलग्रामीटर तो वहां पे जाएंगे पहले कितनी होती है सेवन सेल्ड एट न्यूक्टेड होता है तो सेवन सेल में ये दो जाएंगे तो नाइन सेल्ड हो जाएगा डी ऑप्शन तो इसका तो मार्क नहीं करूंगा मैं इसमें थर्ड ऑनली आना चाहिए था विच आर द फॉलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट करेक्टली मैच विथ दियर यूज टिश्यू प्लाज्मोनोजन एक्टिवेटर ब्रेक सक्लॉट सही बातें इंटरफेरेंस कैंसर ट्रीटमेंट इन्जाम डीएनएस डीएनएस हेल्प इन सेल डिवीजन डीएनए डीएनए को डिस्ट्रॉक करेगा तो ये सेल डिविजन में कैसे हेल्प करेगा सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंस हिवेंट्स इन अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज क्या होता है सीवेज में ये हमने पहले भी सॉल्व किया है सबसे पहले क्या फ्लोक फॉर्मेशन उसके बाद एरोबिक डायजेस्ट में जाएंगे फिर वहां पर सेटलिंग होगी और वहां पे हम स्लज डाइजेस्टर के थ्रू अनुबिक डाइजेशन तो ए ऑप्शन यहीं पे मिल गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनिक एसिड इन द दबसेट फॉर द स्टेप इन विच जीटीपी इज फ्रॉम ड्यूरिंग द क्रेप साइकिल कहां पर होता है से सक्सिनेलोइाइमी होने से टाइम होता है ठीक है सो वहां पर जीटी फॉर्मेशन होता है विच आर दॉलोइंग स्टेटमेंट इज विल करेक्ट ठीक है तो एनिमल एनिमल्सूस पलमर इंस्पेरेशन कम्प्लीट फोर्थर्ड हार्ट किस में होता है बर्ड्स में और मैमल्स में और क्रोकोडाइल में भी होता है सो एनिमल्स हो पलमर इंस्पारेशन जी हाँ सब में होता है एनिमल्स है डबल सर्कुलेशन जी हाँ एनिमल्स है लेफ्ट सिस्टमिक कार्च देखो राइट right में राइट right साइड में होती है ब्लड में लेफ्ट में मैमल में होती है तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है सबके लिए एनिमल्स कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मैमल करते हैं बर्ड करते हैं लेकिन क्रोकोडाइल नहीं करते यहाँ पे तो यहाँ पे देखो क्या पूछा हमें करेक्ट वन एंड टू ये होंगे सिर्फ तो सी ऑप्शन द प्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर द ट्रांसक्राइब्ड एम आर एन रिजल्ट इन मेकिंग डबल स्टैंडर्ड एर एन ए विच कैनॉट भी ट्रांसलेटेड दस लीडिंग टू द साइलेंसिंग ऑफ द एमर एन ए द टेक्निकज प्रूव टू बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग दि मेटोड इन्फेक्शन एंड इनक्रीजिंग एल्डिन ये तो थेरोटिकल एम सी क्यू है किसके लिए यूज़ करते हैं हम टोबैको प्लांट के लिए ठीक है आर एन ए साइलेंसिंग टेक्निक जिसमें आ, जो निमेटोड है दैट इज मेलाइगनी इनकॉग्नीटा वो एफेक्ट करती है टीओमी प्लांट को तो उसको मारने के लिए तो आर एन ए साइलेंसिंग तो यहाँ पे क्या आएगा टोबैको प्लांट द वायरस विच हैज एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक स्पेसिस स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन दैट इज बकुलो वायरस बकुलो वायरस बिलोंगिंग टू न्यूक्लियो पॉलिहाइड्रो वायरस ठीक है वो सिर्फ क्या करता है हेल्दी बैक्टेरिया को नहीं मारता है जो इन्फेक्टेड करते हैं उनको ही है मारता है तो दैट इज वाई ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ ट्रिप्लोमेटिन तो देखो आपको ट्रिप्लामेटिंग की रिएक्शन दी हुई है जहाँ पर रिस्पारेटरी क्वेश्चन है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होते हैं ट्रिप्लामेटिंग के जो लगभग अराउंड वन ज़ीरो टू मालिक्यूल्स ऑफ सी टू देते हैं और ना वन नाइनटी सिक्स मालिक्यूल ऑफ एच टू ओ देते हैं तो यहाँ पे दो यूज़ करते हैं हम नॉर्मली जब रिस्पारेटरी क्वेश्चन हम जो रिएक्शन लेते हैं तब तो अगर ये एक आ, वन यूज़ करें तो उसका हाफ़ लेना पड़ेगा मतलब क्या वन ज़ीरो टू के हाफ मतलब फिफ्टी वन मोल ऑफ कार्बन एंड वन नाइन्टी सिक्स के हाफ मतलब क्या पूछा है हमने ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल ऑफ ट्रिप्लोवर्ट तो फिफ्टी वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा फिर आ, वाटर के कितने आते हैं वन नाइन्टी सिक्स ठीक है वन नाइन्टी सिक्स आते हैं तो वो एस टू ओ के आते हैं एस टू ओ पूरा तो अगर उसको हम डिवाइड करेंगे अभी उसके इसके मोलिकुलर वेट से तो आई थिंक 51 वन मोल्स तो कर, एक एक मिनट अभी ऑक्सीडेशन ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो 51 वन आने वाला है तो ये तो सही बात है तो एक ही ऑप्शन भी दिया है तो मैं वाटर का अभी नहीं करता हूँ मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है ठीक है तो उसके लिए कुछ उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके मोलिकुलर वेट से विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल बिगिनिंग फ्रॉम द फायरिंग ऑफ एन इम्पल्स फ्रॉम द पेस मेकर ऑफ द हार्ट ओके सिस्टोल डायस्टोल दिया है तो कौन सा सही है तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकेंड के लिए होता गार्डे साइकिल में पॉइंट वन और बाकी फिर डायस्टोल होता है सो so, यहाँ पर सी में देखो ठीक है फिर वेंट्रिकल्स में क्या होता है जब पॉइंट वन एट्रियल सिस्टल होगा तो वो डायस्टल होगा फिर पॉइंट थ्री सेकंड के लिए वेंटिकुलर सिस्टल होता है फिर उसका डायस्टल होता है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट सो हमने जो है यहाँ पर आज का टेस्ट जो है सॉल्व कर लिया बहुत ही लेंदी पेपर था बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था ठीक है सो so, सबमिट करता हूं मैं सो so, देखा जाए तो एन के बाहर का मुझे तो एक 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 दो एक ही क्वेश्चन लगा जो डोरमेंसी के बारे में था बाकी सब तो एनसीआईटी से बिलोंग था लेकिन लेंदी बहुत था ठीक है और प्रॉब्लम जो ऐसे थे कि आपका टाइम वेस्ट करने वाले पूरे प्रॉब्लम थे तो आई थिंक मोस्टली ये पेपर थोड़ा देखा जाए तो लेंदी था तो इसका स्कोर जो होगा तो लगभग Uh, अच्छा स्कोर इसमें टू एटी के अबो लगभग होना चाहिए ठीक है टू एटी या थ्री हंड्रेड में होना चाहिए क्योंकि लेंदी पेपर था और बहुत टाइम कंज्यूमिंग था तो गड़बड़ हो सकती है थ्री हंड्रेड के ऊपर तो पार समझो अच्छी बात है लेकिन इतना लेंदी पेपर नहीं आता है थोड़ा सा एम्स के लेवल का पेपर था सो यहाँ पे स्कोर जो है आ चुका है ठीक है तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थ्री फिफ्टी सिक्स मार्के मतलब आउट ऑफ है एक हमने सॉल्व नहीं किया था हमें वाले में तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय